जो मैं ब्लॉग चैनल हर्षिताज ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस जो आज ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ ब्लॉग में हैं मेरी मम्मी और मेरे पापा। हेलो। तो गाइस आज का ब्लॉग ये होने वाला है कि मैं पूछूंगी मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चंस, और अब की बार थोड़ी से मतलब अब की बार मैं थोड़े सिंपल से रखूंगी, और अगली बार इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है मे बी। तो आज का जो व्लॉग है वो है हू नो मी बेटर, मम्मी और पापा, मम्मी और पापा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो ताली बजा देना, ऐसे जो सबसे पहले ताली बजाएगा वो आंसर देगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं पूछूंगी इन दोनों से क्वेश्चंस, इन दोनों को नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो चार्जिंग खत्म हो गई थी गाइस, तो अभी मैं इन दोनों से करती हूँ कुछ क्वेश्चंस। इन दोनों को नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो अब मैं पूछूंगी इनसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? बताओ। पिंक। गलत। आपको बताए? पर्पल। दोनों गलत है। नहीं गलत हो गए। तो मेरा बोलो ब्लू। नहीं येलो। नहीं, वो आपका फेवरेट कलर है। तो इनको एक हिंट दे देती हूँ कि वो मतलब मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ वो कलर। व्हाइट। व्हाइट में मम्मी एक ही पैंट, एक व्हाइट ही पैंट है बस। ब्लैक। ब्लैक बहुत कोशिशों के बाद पर इसे नहीं माना जाएगा, इसे पॉइंट्स में नहीं माना जाएगा, तो 0-0। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगर मुझे एक दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं घर पे रहना ज्यादा प्रेफर करूंगी या बाहर घूमना ज्यादा प्रेफर करूंगी? बताओ। घूमना। अब बताओ, आपको पता है? नहीं पता। घूमना। तो गाइज अगर मेरे को एक दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं घूमना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर में तो हम रोज ही रहते हैं, तो घर पे मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं रोज नहीं रहते, रोज बाहर ही जाते हो, घर में कहाँ रहते हो? तो मतलब वो घूमना नहीं होता ना, वो तो ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, वापिस आ जाती हूँ घर। तो हाँ मैं घूमना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि घर पे तो रोज ही रहते हैं, तो घूमना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो इसमें पापा बिल्कुल सही है, पापा आपका एक पॉइंट हो गया, आप याद रखना। अच्छा, ये मेरे हिसाब से मम्मी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मम्मी अजीब से। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे शॉर्ट हेयर्स पसंद है या लॉन्ग हेयर्स? शॉर्ट। ताली मारनी है। लंबे बाल। बिल्कुल सही गाइस, मेरे छोटे बाल है बट ना मुझे लॉन्ग हेयर्स पसंद है। तो ना मैं मम्मी को बार बार बोलती रहती हूँ मेरे को बड़े बाल चाहिए, बड़े बाल चाहिए, बट नहीं है बड़े बाल, छोटे छोटे बाल हैं। बाल है, बताऊं क्यों नहीं है? पूरा चिट्ठा खुलेगा। बताओ। कुछ खाती नहीं है। अब पापा कहते हैं कि दाल सब्जी नहीं खाती, विटामिन नहीं खाती है। तो अब मुझे जो आप सबको भी नहीं पसंद होगी हरी सब्जियाँ, तो उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे को भी नहीं पसंद हरी सब्जियाँ। ऐसा नहीं है सबको नहीं पसंद, कुछ लोगों को पसंद। हाँ, कुछ लोगों को नहीं होती। तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन कि मुझे अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं वहाँ मेरे को कपड़े खरीदने पसंद है या मेकअप का सामान खरीदना पसंद है? कपड़े। नहीं,
पहले मुझे मारिए। मेरे को भी चांस मिल दे दो भाई। तो ताली मारो ना मम्मी। मार दी मैंने तो हूँ बोलते बोलते कपड़े। तो चलो फिर आप बता दो अपना आंसर। दोनों ही पसंद है। नहीं कपड़े। कपड़े और मेकअप दोनों। मेक तो यहाँ पे मम्मी का पॉइंट मिलता है, पर मम्मी अब ताली मारने नहीं तो आपका गिना नहीं जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं रे वही भी मैं नहीं माना जाएगा, वही तेरी मम्मी ने गलत तो काम बोला। मैंने सही पहले क्यों बोला ऐसे करके कपड़े ऐसे से मैंने ताली मैंने मार दी थी तो सामने सही नहीं जवाब दिया। नहीं मम्मी 50-50 दिया है पापा ने। पापा चल दे दे पॉइंट उनको। तो गाइस मुझे जैसे मैं बाहर जाती हूँ मतलब मार्केट जाती हूँ तो मुझे ना कपड़े खरीदने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं पसंद है, मुझे करना भी नहीं आता है। मैं बाहर कहीं जाती भी हूँ तो मैं नहीं लगाती। अगर बाय चांस मुझे जैसे मैं किसी शादी वगैरह में जाती हूँ तो मैं सिर्फ लाइनर काजल एंड कुछ लिप बाम लिपस्टिक वगैरह वो भी बहुत नहीं है। नहीं पापा वो मेकअप पूरा फाउंडेशन प्राइमर ये सब लगा। हाँ मिनिमल मेकअप मान सकते हो, बट हाँ मुझे मेकअप मैं जाती हूँ मैं नहीं करती, बट ज़्यादा नहीं करती। मैं ऐसी चली जाती हूँ उठ के, ऑफिस भी मैं जाती हूँ ना तो मैं ऐसी उठ के चली जाती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को हाँ कपड़े ज़्यादा खरीदने का शौक है, क्योंकि मेरे ना अभी भी अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं, उसके बाद में मैं कहती हूँ मुझे मेरे पास कपड़े नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कपड़ों का स्टॉक जिनको खरीदने वो आ सकता है मेरे घर खरीदने। मार्केट कम है या लोगों के लिए हा? अच्छा तो कौन सा क्वेश्चन है ये? ये है एक फिफ्थ क्वेश्चन कि मेरे खाने में सबसे ज्यादा फेवरेट चीज कहाँ। ध्यान है भैया। हाँ बोलो। मेरे खाने में मुझे मेरी क्या फेवरेट चीज है? मैंने बोला मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं मान चुका था जैसे ध्यान दिया था। बताओ खाने में। हाँ शाही पनीर। तो मुझे शाही पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी अगर घर में चिकन। हाँ चिकन मुझे पसंद है, यहाँ दोनों का सही है। हाँ मुझे चिकन पसंद है, पर हम चिकन इतना ज्यादा नहीं खाते। हाँ घर में कभी कभार आता है पर घर में बनता नहीं है, क्योंकि ये माशा नहीं बनाने देते हैं यहाँ पे। हम खा सकते हैं, खाने में मना नहीं है, अलाउ है हमें खाना, बट हाँ हम घर में नहीं बनाते हैं। और अगर कभी मन करता है तो हम बाहर से ले आते हैं, बट वो बहुत टाइम में मैं खा पाती हूँ तो वो इतना ज़्यादा नहीं खाती मैं। और जो मोस्टली मैं खाती रहती हूँ तो वो है पनीर। जब भी मम्मी पूछती है कि पनीर लिया तो मैं क्या बनाऊँ, बहुत सारी चीज़ें बोलनी चाहती, तो मम्मी कहती है कि क्या बनाऊँ तो शाही पनीर निकलता है मेरे मुँह से। तो हाँ मेरी सबसे फेवरेट चीज़ शाही पनीर है। हाँ चिकन भी है, बट वो बहुत टाइम बाद आता है तो इतना नहीं खाती। और मैंने चिकन का भाई खिलाया आज इसे चाप, ऐसी बात नहीं है, डुप्लीकेट चिकन। तो ऐसे ना चिकन वाली फीलिंग आ रही है खा के। तो यहाँ पे किसको पॉइंट मिलना चाहिए? मम्मी। चलो मम्मी को देते हैं इधर का पॉइंट। तो आपके कितने पॉइंट हो गए? बता देंगे। तो वो बता देंगे। अच्छा तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है तो मेरी टंग स्लिप हो रही, पता नहीं क्यों। तो मेरे को आप दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बोलो आपको ज्यादा पता है। दोनों से। सही जवाब। मेरे को दोनों से इक्वल प्यार है, ये नहीं कि मुझे पापा से ज्यादा है, ये नहीं कि मुझे मम्मी से ज्यादा है, मुझे दोनों से इक्वल प्यार है। और बस ये पता ही नहीं था मुझे, इसलिए मैं चुप ही रही। अच्छा तो नहीं मैं दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ।
दोनों मेले बराबर हैं, और तो जो जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो है कि मेरी तीन अच्छाइयाँ और तीन बुराइयाँ बताओ। किसको पता है मेरी तीन अच्छाइयाँ और तीन बुराइयाँ? मैं बताऊँ? आप बताओ। नहीं बताती। वहाँ देख इसके पहले बुराई बता लेंगे। तीन बुराई बता दो भैया। पहले ही बात तो चिल्लाती बहुत है, ज्यादा चिल्लाती है। मेरे को बहुत ज्यादा, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे अगर गुस्सा आता है तो मैं चिल्ला देती हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है तो मैं चिल्ला देती हूँ। दूसरी है कि खाना नहीं खाती, बोलते रहो। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सफाई नहीं मांगी अभी, पहले बता दीजिए। तीसरी बोलेगी रोज की उठा देना, 7 बजे उठाना, उठाते रहो, उठ जा डिंपल उठ जा, उठती नहीं है तो ये सबसे, हाँ उठती नहीं है, 7 बजे की बोलती है और उठती है 8 बजे, 1 घंटे तक इसको उठाते रहो, ये सबसे बड़ी बुराई है इसके लिए। अच्छाइयाँ ये है कि एक भी अच्छाई नहीं है, अच्छाई है ऐसी बात नहीं है, अच्छाई है जैसे ज्वाइंट फैमिली है हमारी, दादी तो नहीं रही पर दादा हैं, दादाजी की बहुत केयर करती है, ये सबसे बड़ी अच्छाई है, दादाजी के खाने का चाय का हर चीज का ध्यान रखती है, पहली तो ये अच्छाई इसमें, बड़ों का करना भी चाहिए सम्मान आदर, क्योंकि अब क्या करें, लड़के तो करते नहीं है ना। पहली अच्छाई तो ये है। दूसरी है कुछ बनाएगी जब सबके लिए बनाएगी, जंक फूड बनाती है ज्यादातर, पर हाँ सबके लिए बनाएगी, क्योंकि मैं जंक फूड ज्यादा खाती हूँ तो मुझे रोटी सब्जी इतनी ज्यादा कम पसंद है। तीसरी है अच्छाई इसकी कि जैसे मैं बताती हूँ इसको कि मतलब प्यार रिश्ता सबसे बना के रखो, मेल मिलाप वो अच्छा निभाती है सर के साथ, मामी के साथ, ये तो मुझे भी आज पता चला है, और नानी के साथ, सबके साथ ही, दादा के साथ, तो ये मुझे चाहिए ही था कि ये जो रिश्ता बनाना आना चाहिए ना बच्चों को आजकल, होना ही चाहिए सर। तो ये इसको भी शायद आज ही पता चला, ये अच्छा ही है सबसे बड़ी। तो जो मेरी बुराई मम्मी ने बताई कि मैं मेरे को उठाते रहते हैं और मैं उठती नहीं हूँ, तो मेरे को आती है बहुत ज़्यादा नींद, मैं बहुत सोने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, मुझे उठाते रहते हैं, मैं नहीं उठती, ये बात सच है, मैं नहीं उठती क्योंकि मुझे अपनी नींद ज़्यादा प्यारी है, अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि तू सो जा तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं पूरी मतलब पूरा दिन भी सो सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेरे को सोना पसंद है। तो आपने मेरी तीन अच्छाइयाँ तीन बुराइयाँ सुन ली हैं, तो ये मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, तो बस अब यहीं का। तो मम्मी आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? तो मम्मी ने 7 क्वेश्चंस थे टोटल, तो मम्मी ने दिए हैं, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, पर अच्छे हो बढ़ने चाहिए मुझे। फेवरेट कलर किसी का नहीं, तो आपको पॉइंट्स इनके सरों के ऊपर दिख रहे होंगे कि कितने कितने पॉइंट्स मिले इन दोनों को। दिख ही नहीं रहे पॉइंट्स है तो कहाँ है इनको, आप सबको पॉइंट्स इनके सरों पे दिख जाएंगे कि कितने कितने पॉइंट्स इनको मिलेंगे, दिखे दिख जाएंगे, जो आप चाहिए भाई हमें नहीं दिख रहे ना। तो आप सब कमेंट्स में बताना कि दिखे कि नहीं दिखे। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को करते हैं एंड, तो पॉइंट्स का बाय बाय। अरे पॉइंट्स दिख जाएंगे वो सर।
कैसे दिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। क्या बोल रहे थे, ज्यादा ही जीभ इधर उधर जा रही है शायद। तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कैसे लगे हमारे सवाल और जवाब, हाँ जरूर बताना, जरूर बताना। तो अगर इस व्लॉग को ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स, मतलब ज्यादा लाइक्स आएंगे, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी, जिसमें थोड़े, जिसमें मेरा भाई भी शामिल होगा। तो फिर वो सेकंड पार्ट रखूंगी मैं। तो तब तक के लिए करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। एंड इस व्लॉग को लाइक शेयर।